हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विसी और आप देख रहे हैं बाउंड्री इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी 31 दिसंबर को कौन से स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होंगे, कौन से बाइंग वाले स्टॉक होंगे और कौन से सेलिंग वाले स्टॉक होंगे, और ये सब हम लॉजिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। अभी टीवीएस मोटर क्यों है, तो टीवीएस मोटर में मेरे को हाल फिलहाल एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैंने ये आगे भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट किया था। तो इसमें आप देखो, अगर इसमें आपको एक ट्रायंगल ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो आज मतलब इसका ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है, तो देखते अगर ये कल आपको कोई अप ट्रेंड जाने का साइन दे, तब आप इसमें क्या है कि बाय साइड एंट्री बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर अप ट्रेंड साइन मिलने के बाद ही। और देखिएगा, अगर आपको अगर मतलब यह चूक गए हो तो इसमें कोई कूदने की जरूरत नहीं है, तो पहले इसमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये क्या है कि ये जो लेवल है जो 490 का लेवल, वो आपको इंट्राडे में क्या है कि रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग की रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो आपको देखना, अगर आपको प्रॉपर मूव इधर से मिले और बाद में अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हो, क्योंकि हाल फिलहाल जो प्राइस है वो 81 है, मतलब 91 मतलब 10 रुपये का गैप है, तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। इसमें बीच में इतना हो जाता है आपका प्रॉफिट, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये मूव कैचअप कर सकते हो तो बेहतर है आप इसे कैचअप कीजिए, लेकिन प्रॉपर कोई अपसाइड सिग्नेचर मिलने के बाद ही। ऐसा भी नहीं है कि 490 से नीचे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक रिट्रेसमेंट वहाँ देखने को मिल सकता है या साइडवे हो जाएगा, बाद में भी इसको ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए ये मेरे कल के लिए वॉच लिस्ट में होगा। अगर मेरे को इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें जरूर बाय साइड एंट्री लूंगा। बाद में हम इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख ले। तो जो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक क्यों है, तो इसमें मेरे को एक फ्लैग जैसे पैटर्न कल क्या है कि ब्रेकआउट होती हुई दिखी थी, आज इसने क्या किया, आपने रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। मैंने इसे भी बोला था कि आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक होने के बाद, तो आपको इधर स्टार्टिंग मॉर्निंग में अंडी सिग्नल कैंडल बना दी, बाद में नीचे आ गया। अभी हाल फिलहाल इसने क्या है कि एक इनसाइड बार कैंडल बना दी और बाद में एक ग्रीन कैंडल भी बना दिए, तो हो सकता है कल आपको ये अपसाइड मूव देखे और मेन ट्रेंड भी इसका अपसाइड है। तो आपको जब इसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले बाय साइड की, तब भी आप इसमें बाय साइड जाइएगा। तो ये भी देखिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, अगर आपको इसमें बाय साइड सिग्नल मिलता है कल कोई, तो आप इसमें बाय साइड जा सकते हो। बाद में जो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख ले। तो जो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड क्यों है, तो अशोक लेलैंड क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ये क्या है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। आपको अशोक लेलैंड एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल ये जिस लेवल पे खड़ा है वो शायद कल इससे प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड भी दे, लेकिन देखना पड़ेगा प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे। तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद इसमें आप एक अपसाइड देख सकते हो, तो वो भी आप कैचअप कर सकते हो। और नॉर्मली इधर से देखिए तो एक अच्छा सा अपट्रेंड भी मिल रहा है। तो आपको इसमें देखिए, वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, अगर कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड की अशोक लेलैंड में, तब आप इसमें बाय साइड जा सकते हो। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वॉच लिस्ट ऐसा नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कल सब ऊपर जाएंगे, इसमें से कोई नीचे भी चले जाए। शायद ऐसा भी हो कि ये 5-6 स्टॉक जो मैं दे रहा हूँ उसमें से एक ही अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको देखना पड़ेगा। ये वॉच लिस्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी स्टॉक कन्फर्म ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ये वॉच लिस्ट है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको इसमें ट्रेड करना होता है। तो जो अपसाइड वाला ट्रेड आपको मिले वो अपसाइड जाए तभी आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो, डाउन वाले में सेम के डाउन साइड जाए तब आप सेल साइड एंट्री ले सकते हो। अब हम इसके बाद का जो स्टॉक है वो देख लेते हैं। जो इसके बाद का जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी ये स्टॉक क्यों है, तो ये मेरे को हाल फिलहाल क्या है कि प्रॉपर मेरे को इसमें पहले से ही अप ट्रेंड दिख रहा है। जो ये कंसोलिडेट करा मेरे को वहां पे भी अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मैंने क्या किया था, मेरे ऑलरेडी इसमें क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन है, मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको भी सजेस्ट किया था, तो इसमें मेरे ऑलरेडी पोजीशन है। लेकिन जो ये क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको अपसाइड मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आप इससे क्या है कि इंट्राडे में भी इसका बेनिफिट उठा सको। तो हाल फिलहाल क्या है कि ये इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से इसने ब्रेक कर दिया तो आपको इसमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा M&M है उसको क्या है कि बाय साइड वॉच लिस्ट में बना के रखो, अगर ये आपको रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक अपसाइड का मूव देता है तब आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। तो जो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो बाय साइड के लिए, जब कोई बाय साइड को अपॉर्चुनिटी मिलती है
कोई सिग्नल मिलता है बाय साइड का, तब आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। बाद में जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। अभी मन्नापुरम फाइनेंस क्यों मैंने लिया, तो ये स्टॉक भी मेरे को क्या है कि कितने दिनों से एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो हाल फिलहाल ये 1 आवर्स के चार्ट पे एक चैनल में बन चुका है। तो अगर ये क्या है कि एसेंडिंग, इसको एसेंडिंग चैनल बोलते हैं, अगर ये एसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दे दिया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ब्रेकआउट इसने दे दिया, तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन वेट कीजिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही इसमें एंट्री लीजिए। ऐसा शायद हो कल ये शायद इधर से थोड़ा रिट्रेस करे या साइडवे हो जाए या नीचे आ जाए, तो देखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है इसमें, तब भी आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। देखिए सेल साइड हमारी कोई एंट्री नहीं है, जो भी हमने स्टॉक देखे सभी बाय साइड के लिए। तो जो भी स्टॉक देखे, आई थिंक 5 स्टॉक है, तो 5 स्टॉक में से अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ट्रेड मिलता है, तो भी क्या दिक्कत है। अगर 5 में से एक ट्रेड मिलता है तो वो एक ही ट्रेड लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं ये अगर मैंने अपसाइड लिया है तो ये अपसाइड जा रहा है, प्रॉपर मेरे को अपसाइड के सिग्नल मिले, तब भी आप इसमें बाई कीजिए। और सेम होता है सेलिंग में, लेकिन आज कोई सेलिंग का स्टॉक नहीं है तो सेलिंग हम नहीं देखेंगे। जो हमारे 5 स्टॉक थे वो एक बार देख लेते। जो हमारा पहला स्टॉक था वो टीवीएस मोटर था, बाद में एक्सिस बैंक था, अशोक लेलैंड था, महिंद्रा एंड महिंद्रा था, बाद में मन्नापुरम था। तो ये सब स्टॉक अगर आपको कोई बाय साइड अपॉर्चुनिटी देता है कल के लिए, तब आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। और देखिए पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसीलिए मत लो, पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लगता है तब भी कोई ट्रेड बनाइए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या क्या एक इंडिकेटर से सीरीज बना रहे, बाद में उसमें क्या है कि स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो सिंपल है, अगर आपको कुछ लर्निंग करने तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।